गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो अमेंडमेंट है उससे जुड़ी हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में। जी हाँ फ्रेंड्स, काफी लोगों की क्वेरीज ये आ रही है कि सर, फर्म का जो हमारा पैन नंबर है, उस पैन नंबर का जो नाम था वो हमने ठीक करवाया है, उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, उसको हमने करेक्शन करवाया है, या हमारे फर्म का जो नाम है, ट्रेड नेम है, वो भी हमने बदल दिया है, तो जीएसटी के अंदर उसको हम लोग कैसे चेंज करवा सकते हैं। तो इसी चीजों का लिए आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूं कि आप अपने रजिस्ट्रेशन के अंदर फर्म नेम हो या लीगल नेम ऑफ बिजनेस कैसे चेंज कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन और अमेंडमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है वो सारी क्वेरीज आपकी दूर हो सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जीएसटी अपडेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में फर्म नेम कैसे चेंज करते हैं। आज मैं आपको पहले प्रोविजंस दिखाऊंगा, फिर आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कहां पर जाकर के आप इस चीज को अमेंड करवा पाएंगे। वीडियो पे आगे चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके साथ में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। चलिए अब देखते हैं कि क्या है इस चीज का और कैसे हम लोगों को आगे प्रोसेस करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा अमेंडमेंट जीएसटी के अंदर दो प्रकार की होती हैं, कोर फील्ड अमेंडमेंट, नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट। तो कोर फील्ड अमेंडमेंट और नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट क्या क्या चीज है वो देखते हैं। कोर फील्ड अमेंडमेंट में आता है लीगल नेम ऑफ बिजनेस और नेम ऑफ बिजनेस अगर आपको चेंज करना है तो वो आपका कोर फील्ड हो जाता है। दूसरा होता है एड्रेस ऑफ द प्लेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एनी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। आपका जो बिजनेस प्लेस का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो आपने बिजनेस प्लेस दे रखा है या कोई एडिशनल प्लेस आपने डिस्क्लोज कर रखा है जैसा कि गोडाउन हो गया वगैरह वगैरह, तो वो सारी आपकी आती है कोर फील्ड। अगर उसमें कुछ चेंजेस करना है तो दैट इज अ कोर फील्ड अमेंडमेंट, मतलब वो इंपॉर्टेंट फील्ड है। उसके बाद है तीसरा एडिशन, डिलीशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। अगर एक पार्टनरशिप फर्म है उसमें अगर पार्टनर्स में कुछ चेंजेस हो रहा है या कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है या एक पार्टनर रिटायर हो रहा है या फिर जो है फर्म जो है पूरी की पूरी डिसॉल्व हो रही है तो वो तो अलग ही मैटर हो जाएगा। एडिशन, डिलीशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स और डायरेक्टर्स, तो कंपनीज के केस में भी एडिशन हो सकता है, डिलीशन हो सकता है, रिटायरमेंट हो सकता है डायरेक्टर्स वगैरह का। तो ऐसे सारी चेंजेस जो होती है वो सारी कोल्ड फील्ड अमेंडमेंट्स होती है। कर्ता हो गया एचयूएफ के केस में मैनेजिंग कमेटी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और इक्विवेलेंट। रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, मतलब जो डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस से रिलेटेड है और उनके जाने से या उनके आने से बिजनेस का जो डे टू डे हैपनिंग्स होती हैं उसमें अगर कुछ भी इफेक्ट आता है दैट इज अ कोर फील्ड अमेंडमेंट। उसमें कोई भी चीज अगर आप चेंज करेंगे तो आप कोर फील्ड अमेंडमेंट के दायरे में आ जाएंगे। तो कोर फील्ड अमेंडमेंट करने से क्या होगा, कोर फील्ड अमेंडमेंट रिक्वायर्ड अप्रूवल बाय द अथॉरिटी विच इज टू बी गिवन इन 15 डेज ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन। आप जो ही कोर फील्ड अमेंडमेंट के लिए फाइल करेंगे अपनी एप्लीकेशन तो उस एप्लीकेशन को 15 दिनों का समय लेगा आपका जो ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर है और 15 दिनों के अंदर उस एप्लीकेशन को उस चेंज को जांच करने के बाद, उसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद आपको अप्रूवल मिलेगा कि आपकी अमेंडमेंट एक्सेप्टेड हो रही है या नहीं हो रही है। 15 दिनों के अंदर उसको एक्सेप्ट करके आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज अमेंडेड वो प्रोवाइड करेगा। तो कोर फील्ड के लिए तीन चीजें हैं, लीगल नेम ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड चेंज इन एनी चेंज इन द पार्टनर्स, करता, मैनेजिंग कमिटी, डायरेक्टर्स वगैरह वगैरह जो डे टू डे अफेयर्स में इफेक्ट रखते हैं बिजनेस के, उस इस तीनों फील्ड के लिए आपको कोर फील्ड फाइल करना है, कोर फील्ड अमेंडमेंट आपको डालनी है। नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट्स क्या होती हैं, नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट होती हैं एनी चेंज अदर देन कोर फील्ड इज अ नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट एंड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टैंड अमेंडेड As on the date of submission of GST REG 14 on the GST common portal, there is no requirement of any approval by the authority for non-core amendments. मतलब नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट जो होती है उन तीनों फील्ड्स के अलावा अगर आपको किसी चीज में अमेंड करना है, सपोज करते हैं आपको अपना बैंक डिटेल्स चेंज करना है, आपको कोई गुड्स डिलीट करनी है, कोई गुड्स कोई सर्विसेज ऐड करनी है, तो ये सारे जो अमेंडमेंट्स है ये नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट्स है। आप जैसे ही REG 14 फाइल करेंगे नॉन कोर फील्ड्स के लिए, इसके लिए कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, आपने सबमिट किया और वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली जो है आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अमेंडेड करके दे देगा। तो यहां पर जो है ऑटोमेटिक अप्रूवल है, यहां पर 15 डेज का कोई अथॉरिटी का इंटरवेंशन नहीं होता है और आपका रजिस्ट्रेशन अमेंडेड माना जाता है उसी दिन से जिस दिन आपने REG 14 ऑनलाइन जीएसटी कॉमन पोर्टल पे सबमिट कर दिया।
तो अब हम लोग चलते हैं पोर्टल पे और देखते हैं इस चीज को ऑनलाइन हम लोग कैसे देख पाएंगे। तो ये हम लोग आ चुके हैं पोर्टल के अंदर। पोर्टल के अंदर आने के बाद आपको जाना है सर्विसेज टैब में। सर्विसेज टैब के अंदर रजिस्ट्रेशन टैब, एंड रजिस्ट्रेशन टैब के अंदर आप देख पा रहे हैं ये अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड्स। तो ये जो रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड्स है इसमें हम लोग सिलेक्ट करेंगे और जो तीन बिंदु जो हमने डिस्कस करे हैं उसको हम लोग यहाँ अमेंड कर सकते हैं, जिसमें से एक है लीगल नेम ऑफ बिजनेस, फिर या ट्रेड नेम ऑफ बिजनेस है उसको भी हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, या कोई पार्टनर का है या प्रोप्राइटर का नाम चेंज वगैरह हो रहा है तो उस चीज को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हमारा पैन नंबर चेंज हो रहा है तो पैन नंबर अगर आप चेंज करते हैं तो आपके लिए अमेंडमेंट अलाउड नहीं है। मैंने ऑलरेडी इस चीज पे वीडियो बना रखी है कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेकर के, कि अगर आपका पैन चेंज हो रहा है किसी भी कारण से तो आपको नया रजिस्ट्रेशन लेना होगा, पुराने पैन वाले रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाना होता है। तो हम लोग चलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ कोर फील्ड्स अमेंडमेंट। तो जैसे ही हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर कोर फील्ड वाला एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो उसमें जिस जिस फील्ड को हम लोग एडिट कर सकते हैं वहां पर एक पेंसिल का आइकन बना रहेगा। उस पेंसिल के आइकन को यूज करके हम लोग यहां पर जो है ट्रेड नेम वगैरह देखिए, आप देख पा रहे हैं लीगल नेम ऑफ बिजनेस के सामने एक पेंसिल का बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो यहां पर हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से ट्रेड नेम है तो ट्रेड नेम के लिए हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो यहां पर हम लोग अपना ट्रेड नेम भी यहां पर चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको अपना कोर फील्ड अमेंडमेंट जो है वो फाइल करना होगा, जिस भी चीज को आप चेंज करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं आप, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस यहां पर चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये पैन चेंज नहीं होना चाहिए। पैन अगर चेंज होगा तो आपको फिर नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये हो गया आपका कोर फील्ड अमेंडमेंट। अब एक बार देखते हैं नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट। ये है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट। ये जो कि ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है तो यूजर सर्विसेज में जाके व्यू माय सबमिशंस या फिर आप माय सेव्ड एप्लीकेशंस के अंदर भी जाकर के इस चीज को चेक कर सकते हैं। तो आपको वहां पर दिखेगा जो आपने नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट्स, उस तीनों के अलावा अगर कुछ चीज चेंज करनी है तो आप नॉन कोर फील्ड करके आप उसको सबमिट करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो अमेंड हो जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने आपके लिए दोनों दिखा रखा है, ये हो गया कोर फील्ड का और ये है अपना नॉन कोर फील्ड का। तो यहां पर आप नॉन कोर फील्ड में आपको अगर अपनी बैंक डिटेल्स चेंज करनी है तो आप यहां से अपना बैंक डिटेल्स चेंज कर सकते हैं, या फिर आपको अपनी गुड्स और सर्विसेज चेंज करनी है, कुछ आइटम डिलीट करना है, कुछ आइटम ऐड करना है, तो आप यहां पर इस चीज को आसानी से कर सकते हैं। और जिस दिन आपने ये एप्लीकेशन सबमिट कर दिया उसी दिन से मान लिया जाएगा कि आपने जो अपना रजिस्ट्रेशन अमेंड कर लिया है। तो अब आशा करते हैं कि आपको इस चीज के बारे में कंफ्यूजन जो थी लोगों को कि कोर फील्ड और नॉन कोर फील्ड में क्या फर्क है वो समझ आ गई होगी, और अपना फर्म नेम आप कैसे चेंज कर सकते हैं ऑनलाइन, क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है, वो सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि जिनका भी रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट रुका हुआ है वो इस वीडियो को देख करके अपने अमेंडमेंट अकॉर्डिंगली कर पाए। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। और आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर पेज को फॉलो नहीं किया है उसको फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप अपनी क्वेरीज और कमेंट्स वहां पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।